हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से पैसा ले रखा है या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे आपने इन्वेस्ट कर रखा है या पैसे ले रखे हैं या कोई सामान उससे परचेज कर रखा है, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो या क्रेडिट कार्ड हो, अगर किसी का भी आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके पास पैसे नहीं है या फिर बहुत सारे टाइम पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं होते। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है और इसके पहले जो मेरा क्रेडिट कार्ड था एक्सिस बैंक का, वो उससे मैंने काफी पैसे मतलब खर्च कर दिए थे। उसके बाद जो मेरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया और मैं उस पर टाइम पे रिपेमेंट नहीं कर पाया, तो मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं या आपके पास पैसे ही नहीं है, आप देने में सक्षम ही नहीं है, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं पूरी तरीके से इसमें डिस्कस करूंगा कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है या आपके पास लीगल नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो में अपना है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट बुज कार्ड है, एक्सिस बैंक का बुज कार्ड। इसमें जो लिमिट थी वो मेरी थी 50,000 रुपए की और इसकी लिमिट मैंने स्पेंड कर दी थी और मैंने टाइम पे शुरुआत में पेमेंट की, लेकिन फिर कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसकी वजह से मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाया और इसका पेमेंट मैंने काफी लगभग एक साल तक पेमेंट नहीं किया। तो उसके बाद मैं फिर मेरे साथ क्या हुआ, पहले बार तो कई बार मेरे पास कॉल आई, जो इनके वो होते हैं एजेंट्स होते हैं रिकवरी एजेंट, उन्होंने कई बार कॉल की, थोड़ी सी बहस भी हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो सिर्फ बहस ही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ कि वो लोग वो बोलते थे आपके घर आएंगे पैसे लेंगे और ऐसा वैसा करेंगे, पुलिस केस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, फाइनली 3 महीने बाद फिर से मेरे पास एक लीगल नोटिस आया कि आपका जो मतलब दिल्ली में 30,000 कोर्ट है वहां से 420 का एक लीगल वो आता है कोर्ट की तरफ से कि आपका इतना ये जो पैसा बकाया है इस कार्ड से, तो ये पैसा आपको भुगतान करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर जब लीगल नोटिस वो भी कोर्ट की तरफ से आता है तो आपको करना क्या है, एक वकील को हायर करना है, उसको आपको जो भी पैसे देने हैं, अगर आपकी जान पहचान का तो ज्यादा अच्छा है, वो आपका जो क्या बोलता है वो सेटलमेंट करवा देगा। अगर आपने 50,000 का लोन ले रखा है तो वो आपका सेटलमेंट हो जाएगा 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में आपका जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा, यानी 50% में चांसेस होते हैं सेटलमेंट होने की। तो दोस्तों, आपका जो सिर्फ है सिविल स्कोर ही डाउन होगा, उसके सिवा आपके साथ कोई भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपके पास ऊपर पुलिस केस हो जाए या आपका साथ कुछ और कुछ हो जाए, सिर्फ आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होगा। तो दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ था, ये मेरे दादाजी का कार्ड था, वो सरकारी जॉब करते हैं, तो ये उनके नाम पे कार्ड था, तो उनका सिविल स्कोर डाउन हो गया था। उसके बाद जब सेटलमेंट मैंने करवाया तो इसका भी जो पेमेंट है वो मैंने जाके वहां पे जमा कर दिया, उसके बाद फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं, ये तो हुआ एक्सिस बैंक जो आप जानते हैं जानी मानी बैंक है इंडिया की। तो दोस्तों, अगर आप किसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जैसे NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती है या नॉन NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती है, उनसे लोन लेते हैं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जो लोन होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है और अगर आप पैसे नहीं भी देते हैं तो वो आपके ऊपर ओवरड्यू लगा देंगे, फिर आपके पास एक नोटिस आएगा, वो भी नोटिस बैंक की तरफ से नहीं कोर्ट की तरफ से नहीं होता, ये लोग पर्सनली जो एडवोकेट होते हैं वो हायर करके रखे होते हैं और उनको सैलरी देते हैं ताकि आपसे वो जो आपको डरा धमका के आपसे पैसे वसूल कर सके। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी आपके पास आता है, आपके पास कॉल आती है, आपको धमकी देते हैं कि आपके घर पुलिस आ जाएगी और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके साथ ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा, तो आपको क्या बोलना है कि ठीक है पुलिस आने दीजिए, मैं सीधा आपको कोर्ट में आपको देख लूंगा। तो अगर कोर्ट में अगर कोर्ट तक ये बात जाती है तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाना है और जो भी है आपको सेटलमेंट की वहां पे डिमांड करनी है। अगर दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका 1,000, 2,000, 5,000 का लोन है, 10,000 का लोन है, तो दोस्तों उसको पे कर दीजिएगा, क्योंकि 5-10,000 रुपए में मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम ऐसी आपको होनी चाहिए, आपको जमा कर देना है। जब आपका अगर बड़ा लोन होता है, अगर आपको कोई एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम होती है, तब आप दोस्तों ये सारी तरीके अपनाइएगा और ये सारी तरीके से काम करिएगा, आपको तब भी डरने की जरूरत नहीं होगी और आसानी से आपका जो लोन है वो आप उसको सेटलमेंट करके चुका दोगे और आपके साथ कुछ भी गलत बिहेव नहीं होगा, ना आपके पास पुलिस आएगी, सिर्फ आपका सिविल डाउन होगा और आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है इस सिचुएशन को मैनेज करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा या इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे वहां पे भी DM कर सकते हैं, मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा और आपको सजेशन दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।